नमस्कार दोस्तों, आपके स्वीटो स्काईटेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SBI कियोस्क जो रहता है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ODI अकाउंट या SBI 10 टाइनी अकाउंट, जो भी बोले, इससे एजेंट आपके पैसा को व मनी को कैसे विदड्रॉल करते हैं आपके अकाउंट से, ये प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस तरीके का वीडियो फ्यूचर में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में हमेशा जान सकते हैं। आइए, इसके लिए एजेंट को सबसे पहले आपका कस्टमर नंबर, जिसे CIP नंबर भी कहा जाता है, उसे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट, इसके बाद अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद विदड्रॉल बटन को क्लिक करना पड़ेगा। ये मेरा ही अकाउंट है, 200 रुपये विदड्रॉल करके देखते हैं। विदड्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम कौन से नोट को कितना दे रहे उन्हें, 200 रुपया में, जैसे 100 रुपये का 2 नोट देंगे तो 200 होगा, 10 रुपये का अगर 20 नोट देंगे तो 200 होगा। इस तरीके से कुछ भी जो भी हम दे रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि 200 रुपया हुआ है या नहीं। इसके बाद हमें ये उसको में सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करना होगा। कस्टमर का उंगली, मतलब मैं अपना उंगली दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपना मनी को विथड्रॉल कर रहा हूँ अभी। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर को स्कैन करने के लिए लगा दिया अपना। अब स्कैन होने के बाद जी ग्रीन साइन आएगा, इसका मतलब स्कैन हो चुका है। ओके, वेरीफाई। अब एजेंट जो है उसका एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड रहते हैं, वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद ओके देने के बाद, वो ये गलत हो गया, फिर से देते हैं, 1 सेकेंड। अब ठीक है जी, इसके बाद ओके करना है वेरीफाई सक्सेस के लिए। अब कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो है एक विदड्रॉल का रिसिप्ट आ गया है। यहाँ पर मैंने 200 रुपये उठाया, अब इतना रुपया मेरा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट कस्टमर को देना पड़ता है जिसका भी मनी विदड्रॉल किया गया है। और बहुत सारे जो BC एजेंट रहते हैं वो कस्टमर को कहते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए एकदम अनलिमिटेड है, कोई भी ट्रांजेक्शन का कोई लिमिट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SBI जो कियोस्क या कोई भी जनधन अकाउंट ODI अकाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन का सीमा 4 है। 4 से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, विदड्रॉल कीजिएगा, तो इसके लिए आपको FI सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, जो कि है 17 रुपीस कितना पैसा है, जिसे FI सर्विस चार्ज कहा जाता है। बहुत सारे BC एजेंट का कहना है कि उन्हें ब्रांच से ऐसा कहा गया है कि पैसा उनका जो है जितना विदड्रॉल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मगर ये एकदम गलत जानकारी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये एकदम मिसगाइड किया जा रहा है। क्योंकि ट्रांजेक्शन जो लिमिट है RBI के द्वारा जनधन अकाउंट और ODI अकाउंट का विदड्रॉल का 4 सीमा अभी तक किया गया। मैं अपने अगले वीडियो में यही प्रूव करके दिखाऊंगा कि 4 से ज़्यादा विदड्रॉल करने पर आपका FI सर्विस चार्ज 17 रुपया काटा जाता है। थैंक यू।